नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक्सिस बैंक के अकाउंट से कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके भी पास है एक्सिस बैंक का अकाउंट तो आप बड़ी आसानी से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो। आप एक्सिस से नहीं बल्कि अदर क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेड कर सकते हो एक्सिस एप्लीकेशन के जरिए, मतलब कि एक्सिस अकाउंट से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं एक्सिस बैंक के अकाउंट से। तो आइए जान लेते हैं। तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आपका अकाउंट है एक्सिस बैंक में तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कर सकते हो। तो आपको एक्सिस बैंक अकाउंट या एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो और पहले से हो तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो थंब फिंगरप्रिंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो इंटरफेस था वो चेंज हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, जो मैंने रिसेंट ट्रांजेक्शन किए वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्विक लिंक्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, उसी के नीचे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास नहीं बैलेंस और आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है। फोनपे के जरिए आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट कार्ड करके है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम लेगा और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 1685.80 है और मेरा जो अवेलेबल लिमिट है वो है 23314। और यहाँ पे मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे मेरे दो क्रेडिट कार्ड शो हो चुके हैं। तो आपको चेक करना है कि कौन से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। यहाँ पे एक्सिस फ्लिपकार्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो अनबिल्ड है, मतलब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करना है मुझे। तो मैं अभी आपको एक ये ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 168.80 यहाँ पे मुझे पेमेंट करना है। मेरा जो अवेलेबल लिमिट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लास्ट पेड का अमाउंट कितना किया था, यूर स्पेंड एनालिसिस अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पे, और भी बताया है। यहाँ पे करंट स्टेटमेंट देखना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे ड्यू 4 अगस्त से पहले मुझे ये 1685 पेमेंट करना है, नहीं तो मुझे वो बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे 1685 है, उसी के सामने यहाँ पे देख सकते हो पे नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा थोड़ा और टाइम लेगा और यहाँ पे देख सकते हो ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुके हैं। यहाँ पे 3 डेज अभी बाकी है इसको पेमेंट करने में, लेकिन मैं आज ही पेमेंट करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 1685 करना चाहते हो, फुल पेमेंट करना चाहते हो, मिनिमम करना चाहते हो या फिर कस्टम करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कस्टम ना करके मैं पूरा पेमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है, ये आपका अकाउंट है, इस अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, मुझे इतना इतना पेमेंट करना है, 4 अगस्त बिल ड्यू डेट था, यहाँ पे 1685 मेरा जो अमाउंट है वो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो शो हो रहा है। और यहाँ पे कंफर्म टू पे पे क्लिक करना है, एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। तो कंफर्म टू पे पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म टू पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है एप्लीकेशन का वो यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये एप्लीकेशन का पासवर्ड है, एमपिन यहाँ पे देख सकते हो, एंटर एमपिन टू कंफर्म डिटेल्स एंड अलाउ डेबिट एंड सिलेक्टेड अकाउंट। तो यहाँ पे एमपिन पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। एमपिन एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा और टाइम लेगा और यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे मेरे अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन आईडी आ चुका है और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस भी 0 हो चुका है, मतलब यहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी आपको होम में जाके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मेरे जो अकाउंट में से यहाँ पे देख सकते हो 5000 समथिंग था, अभी वो 3462 यहाँ पे रह चुका है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से एक्सिस बैंक के अकाउंट से कोई भी पेमेंट कर सकते हो, किसी भी क्रेडिट कार्ड का या फिर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।